निराकरण की मांग को लेकर राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकतांत्रिक जनता दल एवं समाजवादी विचारकों ने संयुक्त रूप से सेंचुरी या डेनिम के श्रमिकों के समर्थन में एवं अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर प्रिया वर्मा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर स्थानीय सांसद के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन भेंट किया गया। उक्त जानकारी लोजित नेता धर्मेंद्र तिवारी ने देते हुए बताया कि सेंचुरी एंड डेनिम इकाई के श्रमिकों द्वारा 1371 दिन से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एबी रोड पर ग्राम सरताटी में आंदोलन किया जा रहा है। इसे किसी भी आदेश के तहत हटाना सही नहीं होगा। श्रमिकों के हकों के लिए चल रहा यह संघर्ष संवैधानिक एवं न्याय संगत है। 26 नवंबर 2020 से पूरे भारत के किसान दिल्ली की सीमाओं और देश भर में सैकड़ों अन्य स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध कर संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस आंदोलन ने भारत की जनता को जगाया है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हो रहे पक्षपात को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए नेताओं ने बताया कि देश के किसी भी कामकाज में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जा रहा है, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे न्यायपालिका का हो या फिर राजनीति का हो, कहीं भी हमारी साझेदारी नहीं है। मुसलमानों की साझेदारी बढ़ाई जाए। अल्पसंख्यकों में शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले का अनुपात बहुत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है, आदि अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाजी जाकिर शेख, लीला दत्त चौधरी, इंद्रसेन राव निमोणकर, सरदार सिंह ठाकुर, मुस्लिम पठान आदि उपस्थित थे।